नमस्कार, मैं हूँ शंपा सहाय और आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फिज। मसाला फिज बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है फिश, अनियन, कोकोनट पाउडर, सफ़ेद तिल, ब्लैक पेपर, खसखस, करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, लाइम जूस, धनिया पाउडर और साथ में गरम मसाला। सबसे पहले हम मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करते हैं। इसमें हम लेंगे लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, नींबू का रस, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला, और साथ में हम लेंगे सॉल्ट, और इसके साथ हम फिश को मैरिनेट करेंगे। जितने देर में ये फिश हमारा मैरिनेट हो रहा है, हम एक पैन गरम करते हैं और इसमें सफ़ेद तिल, काली मिर्च और खसखस यानी कि पॉपी सीड्स डालकर इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये रोस्टिंग हमारे 1 से 2 मिनट में हो जाएगी, फिर हम गैस को बंद करेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये मसाला हमारा अब भुन गया है और इसे हम निकाल लेते हैं। अब हमने अपना पैन फिर से गरम कर लिया और इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को गरम करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और अब हम इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके साथ हम डालेंगे ये रोस्टेड मसाला जो हमने रोस्ट करके रखा है। साथ में हम ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर और हल्का सा पानी डालकर और हम इसे अब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस मसाले को भी हम अब इस मछली में डालेंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जितने देर में हमारा मछली उधर मैरिनेट हो रहा है, हम गैस ऑन करके इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और उसे गरम करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया, हम अब इसमें थोड़े करी लीव्स ऐड करेंगे। फिश के पीसेस को ऐड करके
तेल गरम होने के बाद हमने इसमें करी लीव्स डाला और ये मैरिनेटेड फिश हम इसमें डालेंगे और इसे ढककर पका लेंगे। इसे हम ढककर पकाएंगे। ये मछली हमारा लगभग बनकर तैयार है। इसमें हमने कोकोनट और खसखस दोनों ऐड किया है। इसमें कोकोनट की भी अच्छी सी फ्लेवर आ रही है, काफ़ी अच्छा सा स्मेल आ रहा है और साथ में हमने इसमें करी लीव्स और काफ़ी चटपटी चीज़ें, लाइम जूस, कोरिएंडर पाउडर, बहुत सारी चीज़ें ऐड की है, तो ये काफ़ी मसालेदार फिश बनकर तैयार होगा। और इसे हम अभी एक दो मिनट और पकाएंगे। ये फिश हमारा अब बिल्कुल तैयार है। इसे हम निकालेंगे एक सर्विंग प्लेट में और ये हमारा मसाला फिश बनकर तैयार है। फिश मसाला बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है फिश 500 ग्राम, चॉप्ड अनियन 1 कप, करी लीव्स 4 से 5, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाइम जूस 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड ऑयल 5 से 6 चम्मच, पेपरकॉर्न्स 6 से 7, पॉपी सीड्स 1 टेबलस्पून, कोकोनट पाउडर 1/2 कप, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर लीव्स 1/2 कप, सॉल्ट टू टेस्ट। मसाला फिश बनाने के लिए हम सबसे पहले फिश को मैरिनेट करेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, लाइम जूस, सॉल्ट और गरम मसाला के साथ। फिर हम एक ड्राई पैन लेंगे और उसमें हम पॉपी सीड्स, सेसमे सीड्स और पेपर कॉर्न्स को रोस्ट करेंगे और फिर इसे हम निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालकर अनियन डालेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसे भुने हुए सूखे मसाले और कोकोनट पाउडर के साथ पीस लेंगे। फिर इन मसालों को भी हम फिश में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालकर हम करी लीव्स ऐड करेंगे और फिर मछली को डालकर बहुत ही स्लो फ्लेम में इसे कुक करेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद इसका मछली को पलट लेंगे और फिर उसे हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे।